लोग अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये जो मेथड है इससे किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड, लिख लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये सपोज करो कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। ये एफ है, ये टू एफ है, एफ है, टू एफ है। सपोज करो कि हम एक ऑब्जेक्ट को रखें ओ ओ डैश को इसके आगे, और ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन पर्दा, जिस पर इसका इमेज हम लोग पता किए, मतलब ये जो स्क्रीन है इसके पोजीशन को आप शिफ्ट करके और इसका इमेज जब इस पर बनने लगे तो इस अरेंजमेंट को आप फिक्स कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज करो डी है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस सपोज डी है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये एफ एंड टू एफ के बीच में होगा, ये तो आप पहले से जानते हैं, ये ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है इंफिनिटी टू एफ के बीच में तो इमेज यहां बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर के तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे इमेज इधर के तरफ मूव करेगा। ऑब्जेक्ट को अगर यहां रखेंगे तो इमेज यहां बनेगा, ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे इसके बीच में तो इमेज इसके बाद बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट इस रीजन में रखा है इमेज मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा। तो भाई अगर इमेज जो है वो इससे बड़ा है का मतलब ये ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच में रखा हुआ होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये डिस्टेंस डी आप मेजर कर लिए। अब इससे आगे चलते हैं, ये जो लेंस है इसको और इसको आप फिक्स कर दिए, इसको आप चेंज नहीं करिए, ये जो लेंस है इसके पोजीशन को आप शिफ्ट करिए धीरे धीरे। इनिशियल पोजीशन लेंस का ये था, इसके पोजीशन को आप शिफ्ट करिए, मतलब लेंस के पोजीशन को डिस्प्लेस करिए। मेथड का ही नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये वाला जो लेंस है उसको यहीं पर हम ऐसे डिस्प्लेस किए, यहां ले आए, तो हम यहां पर लेंस को न दिखा करके इस लेंस का को यहां दिखा रहे हैं डायग्राम, जिससे कि हॉचपॉच नहीं हो। वास्तव में आप इसी लेंस को ऐसे यहां पर धीरे धीरे शिफ्ट किए। जब धीरे धीरे आप यहां से शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो जैसे ही यहां से शिफ्ट करेंगे तो इमेज यहां पर बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर जाएगा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज कर जाएगा। अब जैसे जैसे आप शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करते करते एक पोजीशन पर जब आप आएंगे तो फिर से इस स्क्रीन पर इमेज बनना शुरू हो जाए। उस पोजीशन पर सपोज करो यहां तक लाए और इस पोजीशन पर फिर से यहां इमेज बनने लगा तो आप ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर लीजिए। लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। इस वाले लेंस को आप कितने से डिस्प्लेस किए हैं? एक्स से। और एक्स से जब डिस्प्लेस किए हैं तो फिर से इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पर बनने लगा। ये ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है जहां पहले था, ओ ओ डैश सेम पोजीशन पर है, और अब जो इसका इमेज यहां पर बनने लगा वो इमेज अब सपोज ये है। एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि अगर यहां ऑब्जेक्ट है इमेज यहां बनेगा, ऑब्जेक्ट एफ टू एफ के बीच में है तो इमेज टू एफ के बाद बनेगा। जैसे ही इसको आप इधर डिस्प्लेस करेंगे अब जो इसका पोजीशन है उसका फोकल लेंथ f सपोज ये है, 2f सपोज ये है, और ये जो पॉइंट है ये 2f के बाहर चला जाएगा, और इधर जो इमेज बन रहा है ये f है और ये 2f है और ये इंफिनिटी है। तो 2f के बाद अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज एफ एंड टू एफ के बीच में बनता है। भाई ये तो लेंस में आपको पहले बता चुके हैं
जरा फिर से एक बार इसको याद करिए, ये एफ है, ये टू एफ है, इधर एफ है, इधर टू एफ है। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां रखे हैं एफ टू एफ के बीच में, तो इमेज टू एफ के बाद बनता है, बड़ा बनता है, क्योंकि ये रीजन बड़ा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां रखें 2f के बाद, तो इमेज जो बनेगा वो f 2f के बीच में बनेगा और इससे छोटा बनेगा। तो इस लेंस के शिफ्ट करने से क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2f के बाद हो गया। तो अगर 2f के बाद हो गया तो इसका जो इमेज बनेगा वो f 2f के बीच में बनेगा, और इसका इमेज अगर इस स्क्रीन पर बन रहा है तो इसका साइज इसके रिस्पेक्ट में छोटा होगा। एक बात आप और यहां पर समझ लें कि लाइट जो है वो हमेशा रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है। रिवर्सिबल पाथ का मतलब कि जैसे ये एक लेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज इस पर इंसिडेंट हुआ है, तो ये रिफ्रैक्ट होकर के सपोज ऐसे आया, इमेज यहां बना। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दें, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखें, तब रेज ऐसे आएगा और रिफ्रैक्ट होकर के यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट ये है जिसका इमेज ये है, अगर इमेज के जगह पर हम ऑब्जेक्ट रख दें तो ऑब्जेक्ट के जगह पर इमेज बनेगा, क्योंकि लाइट अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट किया है, रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे गया है, अगर लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो तो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जाएगा। इसको हम लोग रिवर्सिबल पाथ करते हैं, लाइट हमेशा रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ये है, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका इमेज ये हो जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर सपोज करो यू वन है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर सपोज करो वी वन है, तो ये जितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अगर इसके बराबर हो जाए तो ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, वो तो डी के बराबर है। तो इसको जब आप इधर शिफ्ट करते हैं तो आप तब तक शिफ्ट करिए जब तक इधर का डिस्टेंस इतना हो जाता है, ये डिस्टेंस हो जाता है, उतना तक आप इसको शिफ्ट करेंगे तो फिर से इसका इमेज यहां पर बनने लगेगा, और ये शिफ्ट का वैल्यू सपोज करो एक्स है। अब हम लोगों को इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं लेंस का। लेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। इस वाले केस में देखिए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है और ये इमेज डिस्टेंस वी है। इस इमेज डिस्टेंस को क्या हम कह सकते हैं, दिस डिस्टेंस कैपिटल डी माइनस ये डिस्टेंस यू। ये डिस्टेंस अगर यू है तो ये डिस्टेंस d माइनस यू होगा। अब इस वाले केस के लिए फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं, 1 बाय v के जगह पर लिखते हैं d माइनस यू, और ये इसका साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये उस तरफ है, माइनस 1 बाय u के जगह पर लिखेंगे माइनस यू 1 बाय f। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, d ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डी माइनस यू इंटू यू, यू प्लस डी माइनस यू इक्वल टू एफ, तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर इधर ले आते हैं, माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल टू जीरो। ये यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो u इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी बाय टू ए, टू ए का वैल्यू वन। u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, a का वैल्यू वन है, b का वैल्यू माइनस डी है और c का वैल्यू डी एफ है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। यू का दो वैल्यू आया यहां से, यू का दो वैल्यू कौन कौन सा आएगा, इधर लिख रहे हैं,
एक u का वैल्यू है u1 और दूसरा u का वैल्यू है u2। u1 का वैल्यू हो गया d प्लस d स्क्वायर माइनस 4df। तो एक वैल्यू लिखते हैं, पहला वैल्यू लिखते हैं माइनस वाला, माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df का अंडर रूट बाय 2, और दूसरा यू का वैल्यू होगा डी प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df अंडर रूट बाय 2। ये यू का दो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू यू का कम है, माइनस है, तो कम वाला वैल्यू ये है, और ये जो यू का वैल्यू है ये डी से ज्यादा है, डी सॉरी यहां पर प्लस है मतलब इससे ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाला है, ये कम है और ये ज्यादा है, इसलिए यू वन यू टू इसको दिया। अब ध्यान से देखिए कि ये जो यू टू है वो तो इसके बराबर है, दिस वी वन इज इक्वल टू यू टू, और ये जो यू वन है ये वी टू के बराबर है। अगर हम इसको यू टू कहें और इसको वी टू कहें, सेकेंड केस में इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये u1 कितने के बराबर है, v2 के बराबर है। ये x कितना होगा, ये x होगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है इसके बराबर, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। तो क्या हम x को कह सकते हैं x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू हाउ मच, u2 माइनस u1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो d और d तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4df का अंडर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 4df, इसको इधर ले आइए, f का वैल्यू होगा d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4d। अगर ये x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए हैं और d तो आपको पता है ही, तो फोकल लेंथ का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये फोकल लेंथ का वैल्यू आया। इस पर और एक दो पॉइंट है जो नोट करके आपको समझाएंगे अगले वीडियो में, तो इसको आप लिख लें।